सरकार ने बस एक ये दिया है, हमें गैस तो मिला है। पैसे मार रहा है प्रधान, जो पीएम से पैसे आते हैं वो खा रहा है सबका। अरे यहाँ तो रहने को भी जगह नहीं है, एक एक घर में भी कई कई जने रह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूँ आपके साथ अर्चना गुप्ता। आज हम देश की आधी आबादी यानी कि महिलाओं के मन की बात जानने के लिए पहुँच चुके हैं मुरादनगर में। और देखिए पहले इन अम्मा से जानते हैं। अम्मा ये बताओ पहले नाम क्या है आपका? पुष्पा। पुष्पा, ये 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 लकड़ी किस लिए आप इकट्ठा कर रहे हो? रोटी पौने को। रोटी पौने को, तो ये उज्ज्वला योजना नहीं मिला क्या आपको? क्या गैस? हाँ गैस नहीं मिला क्या है? तो गैस क्यों नहीं जलाती? हम गैस की खाते नहीं, गैस की खाते नहीं। सब्जी बनावे, चाय बनावे, सब्जी बनावे, खिचड़ी बनावे, चावल बनावे। हाँ। रोटी चूल्हे पो लेते हैं। रोटी चूल्हे, तो रोटी बोने के लिए इतनी सारी लकड़ियाँ? लकड़ी कई दिन चलेंगी? कई दिन से सुबेरे को भी शाम को भी। हाँ यहाँ फैली पड़ी है, ऊपर रखे हैं, ऊपर पोवे ना रोटी पोती, ऊपर पे ऊपर रोटी पे। हाँ। तो चूल्हे में बनाती हूँ रोटी। हाँ तो ये जो है कि कभी गैस उल्टा चला जाए हमारा चूल्हे में रोटी पोड़े। हाँ हाँ बोलो, क्या कह रही हो? क्या कह रही हो अम्मा बोलो? हैं रोटी चूल्हे घड़ी रोटी रोटी सेकण लई इकट्ठा कर रही हो आप? हाँ हैं। कितने लोगों, कितने परिवार, मतलब कितने लोगों को रोटी बनाती हो? हम है पाँच। हाँ और दो, नौ। नौ 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 लोगों का। तो क्या इसे धुआं नहीं निकलता? निकला है, निकले हैं। कड़वा धुआं निकला है इसमें, कड़वा धुआं निकलता है। हाँ कड़वा धुआं निकलता है इसमें। फिर इससे तो दिक्कत होती होगी? हाँ आँखों में दिक्कत भी हो है। तो फिर आँखों में दिक्कत होती है तो फिर क्यों ये लकड़ी इस्तेमाल करती है? जब अच्छी ना लगती रोटी गैस की तो क्या करें बताओ, उल्टी होती है गैस की रोटी खा के। उल्टी होती है गैस की रोटी खा के, उल्टी होती है। जब सरकार ने गैस दे रखा है कि आप लोग गैस का इस्तेमाल करिए महिलाओं की उज्ज्वला योजना का, भरवा के मंगाया है आज ही है, अंदर पड़ा दोनों गैस, आज ही भरवा के मंगाया गैस भी है। तो अम्मा इससे जो धुआं निकलेगा उससे तो फिर सांस की दिक्कत होगी आपको? कुछ भी ना होता, मैं तो बुढ़ापा का रोटी पोते। अरे अम्मा तो बुढ़ापे में तो और दिक्कत हो जाएगी इससे, इससे तो और दिक्कत हो जाएगी। गैस का इस्तेमाल किया करो ना। ठीक है ना, पोने के। हाँ गैस पे पोने करेंगे। अच्छा तो मतलब ये है कि गैस सिलेंडर मिला हुआ है आपको? हाँ है ना, पोले में गैस कित सबको, मुझे भी है, इन्हें भी, दोनों को मिला हुआ है। मतलब घर में दो दो गैस सिलेंडर, लेकिन इस्तेमाल एक कभी मेरा बंद हो गया चलाना। हाँ दोनों दोनों चल रहे हैं। आज भरवाया, एक एक 15 दिन पहले, 15 दिन पहले भरवाया। तो ये बताओ जरा गैस का जो सिलेंडर का जो दाम है उसको क्या वो महंगा है? 800 का भरा हुआ है। 800 का तो ठीक है ना, ज्यादा महंगाई तो नहीं है। ठीक है, 300 वापिस आ रहे हैं। हाँ तो उज्ज्वला योजना से तो वापस आएंगे ही। हाँ। तो लाभ मिल रहा है उज्ज्वला योजना का? ठीक मिल रहा है, पूरा मिल रहा है। कैसा काम कर रही है सरकार? सही कर रही है, है? सही कर रही है। खेती किसानी करती हो आप? हमारा खेती कहाँ से आई? हाँ नहीं करते, मतलब ये कब मिला था आपको उज्ज्वला योजना से चूल्हा, गैस चूल्हा? काफी दिन हो गए। हाँ? काफी दिन हो गए हमें तो। हाँ? छठी साल लग रही, छठी साल लग रही है। तो गैस रिफिल कराने में कोई दिक्कत तो नहीं? बराबर चल रहा हमारा तो। सब बराबर चल रहा है? अम्मा जब बराबर चल रहा है तो चूल्हे पे काहे रोटी पकाती हो? फोड़ देंगे आज चूल्हे को। हाँ? आज ही फोड़ देंगे। देखिए ये हमारे साथ अम्मा थी और इनको उज्ज्वला योजना का जो है वो लाभ मिला हुआ है, लेकिन इनकी अपनी जो है कि व्यक्तिगत इच्छा है कि ये शाम को ये जो लकड़ी है वो इकट्ठा कर रही है चूल्हे पर रोटी पकाने के लिए। बाकी सब खाना गैस पे पकाती हो? गैस पे करते हैं बाकी काम। गैस पे? हाँ। आप यहाँ अंदर देख लो, गैस देख लो, दिखा दे। आ जाओ अंदर, आइए जरा देखते हैं कि उज्ज्वला योजना के तहत जो मिला है वो भी। ये बताइए आपके घर में कितनी महिलाएं हैं? कितनी महिलाएं हैं अम्मा? दो बहू एक मैं सास, तीन। तीन लोग हैं? तीन है। देखो ये देखो, उज्ज्वला योजना से आपको चूल्हा मिला हुआ है यानी गैस सिलेंडर मिला हुआ है, ऊपर ऊपर है ना, ये अनियारी रहती है। ये देखो यानी कि आज ही भरवाया है, आज ही भरवाया, एक ऊपर है, यानी मतलब सास बहु दोनों को मिला है। हाँ है ना। हाँ छोटी वाड़ी हो उसे वो मर धोरे पोले हुए, उसे मिला नहीं भाई, बाद में शादी हुई है दूसरी साल लग रही है उसे। तो ये तो चूल्हे का रोटी बनाते हो, कोई दिक्कत उक्कत नहीं होती? हमें नहीं होती कुछ भी दिक्कत है? हमें नहीं होती रोटी, इस पे खाते अच्छी ना लगती रोटी हमें। आप भी चूल्हा जलाती हैं? हाँ हाँ मैं भी रोटी। हम हर वक्त धूप में रहेंगे, मजदूरी करेंगे, गेहूँ काटेंगे। भाई पूछ रहे गेहूँ काटते हो? हाँ गेहूँ काटेंगे, सब काम मजदूरी पे करेंगे, बेलदारी करेंगे, तो हम सांस कैसे लग चूल्हे में कैसे हो जाएगा? किसानों के काटेंगे, हमारे का खेती है। हाँ खेती करती हैं आप? नहीं किसानों के वैसे काटेंगे, वैसे गेहूँ काट, गेहूँ काटती है जाती है।
हाँ काटते हैं गेहूँ तो आँखों में से जलन नहीं होती है ना। हाँ हम बड़ी मजबूत हो अम्मा आप झूठे कह रहे बहुत हैं सब काम कर रहे हैं काट के लाते हैं काट के लाते हाथ से काट के लाते हैं खाचा हाथ से काटती भी हाँ लकड़ी हाथ से काट के लाते हैं दांव से हथियार से अपने और बेलदारी भी कर रहे हैं हम बच्ची ये आपकी बेटी है ये आपकी बेटी है लड़की है मेरी ये स्कूल जाती है ये इसका अभी नहीं करवाया एडवांस छोटी है इसका करवा रखा है ये लड़का है मेरा बड़ा ये बताओ अम्मा जरा दिन भर खाना बनाने के अलावा और उसके अलावा और कोई काम आप लोग करते हो जैसे अपने अपने के लिए जैसे सरकार तो अब तो सिलाई फ्री सिलाई मशीन दे रही है स्वयं सहायता समूह है ऐसा कुछ नहीं करते काम कुछ काम ही नहीं है क्योंकि आप लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है हमें कुछ नहीं मतलब फ्री सिलाई मशीन वगैरह ना कुछ भी नहीं मिला हमें ना कोई फॉर्म भरा ना कुछ होया आज तक भी कुछ नहीं हुआ क्यों हमें क्या पता सरकार को पता हो हाँ हमें तो सरकार ने बस ये दिया है हमें गैस तो मिला है बस गैस मिला है और हमें कुछ नहीं मिला आज तक बस और कुछ नहीं मिला आप लोगों को ये बताओ इस एरिया में आप लोग मतलब कि रात को डाने आने में कोई डर वर तो नहीं है डर शौचालय है ना आपके घर में है ना ये रहा इधर है अच्छा शौचालय है मतलब इस एरिया में आप सुरक्षित हो रात को निकलने में कोई दिक्कत नहीं देखिए ये तमाम जो यहाँ पर हम ग्रामीण क्षेत्र में आए हैं इनसे पूछते हैं आप बताइए आप यही किए हैं जी उज्ज्वला योजना का लाभ मिला गैस सिलेंडर मिला फ्री नहीं हमें नहीं मिला आपको नहीं मिला नहीं हमें नहीं मिला आपको क्यों नहीं मिला पता नहीं हम खाना कैसे बनाती हैं हम चूल्हे पे ही बनाते हैं चूल्हे पे ही बनाती हैं मतलब चूल्हा वो जलाकर चूल्हे पे बनाती लकड़ियों से सभी मतलब ये जो पूरा एरिया है यहाँ के पूरे एरिया के लोग जो है वो चूल्हे पे ही खाना बनाते हैं चूल्हे पे भी बनाते हैं जिसका कनेक्शन है बेचारों का गरीब आदमियों का वो वैसे नहीं लकड़ी चुक चुक के लाते हैं उसी लकड़ी कहाँ से लाती है चुक के जंगल में से लाते हैं जंगल में जाती है लकड़ी चुकने के लिए कितनी दूर है यहाँ से जंगल बहुत दूर है जंगल तो मतलब जंगल बहुत दूर है आपका जी जी तो वहाँ से लकड़ी चुकने जाती है सिर पे लाते हैं सिर्फ लाते लाते जी जी हाँ अरे यहाँ तो रहने को भी जगह नहीं है एक एक घर में भी कई कई जने रह रहे हैं तो प्रधान पीएम आवास योजना के तहत क्या घर नहीं मिला प्रधान नहीं कर रहा है कुछ भी प्रधान काम नहीं कर रहा है नहीं प्रधान कुछ नहीं कर रहा जाती है तो क्या कहता है प्रधान प्रधान ये कहता है कि यहाँ पे कुछ नहीं होएगा कुछ नहीं होएगा और उज्ज्वला गैस योजना का कनेक्शन क्यों नहीं मिला इसके लिए गई फॉर्म वॉर्म भरने के लिए भरा था हमारा मतलब ये कह दिया कि आया नहीं तो फिर पूछा नहीं कि क्यों नहीं आया कहाँ दिक्कत है अरे वो प्रधान जी नहीं वो करते हैं फिर कहते हैं मैं कहाँ लो भाग दौड़ करूँ हाँ तो मतलब आपके घर में शौचालय वगैरह है हाँ ये तो है सरकारी तो इस एरिया में आप रात को अगर आप निकलती हैं एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी जरा एरिया भी दिखा दीजिए इस एरिया में आप रात को निकलती हैं तो कोई दिक्कत होती है हाँ दिक्कत भी होती है मतलब जैसे लेडीज जाती हैं तो उनको कोई मिल भी जाते हैं है ना मन चले हाँ मिल जाते हैं मतलब यहाँ पे मतलब महिलाएं सुरक्षित नहीं है हाँ है ना रात को निकल नहीं सकती यहाँ पे जी हाँ क्योंकि उधर से भाग भी लेते हैं लड़के भी भाग लेते हैं चोर भी आ जाते हैं गांव वाले भी मारपीट करते हैं यहाँ पे किस चीज के लिए मारपीट करते हैं इधर आओ बेटा तुम इधर आओ किस क्लास में हो मैं 12th क्लास में आई हूँ उस दिन यहाँ पे गरीब औरतें लकड़ियाँ चुगती हैं तो लकड़ियाँ चुग के इन्होंने वो लगा रखे थे मतलब जोड़ के रख रखी थी साल भर के लिए तो एक मतलब गांव का ही है नेपाल नाम का लड़का वो बूढ़ा है तो उन्होंने जान के आग लगाई है हम रिपोर्ट भी करवा के आए हैं पर अभी हमें कुछ नहीं मिला है कुछ नहीं मिला है मतलब यहाँ पे आपको सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा नहीं कुछ नहीं ना चूल्हा मिला ना पीएम आवास योजना के तहत घर चूल्हा मिला है एक आधो को जिसने ज्यादा भाग दौड़ करी है नहीं मिला है मतलब बाकियों को नहीं मिला कुछ नहीं कर रहा है प्रधान नहीं कर रहा है प्रधान भी कुछ नहीं कर रहा है यहाँ का कोई कुछ नहीं कर रहा है ना महिलाएं सुरक्षित है नहीं पैसे मार रहा है प्रधान जो पीएम से पैसे आते हैं वो खा रहा है सबका अच्छा वो भी खा रहा है कोई शिकायत उकायत नहीं सुनता यहाँ पे कोई नहीं सुनता है देखिए यहाँ पे तमाम आप ये बताओ बेटा तुम स्कूल में जाती हो स्कूल पढ़ने जाते हो जी शिक्षा विक्षा मिल रही है अच्छी जी शिक्षा तो बहुत अच्छी आइए ये भी यहाँ पर महिला इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं आप बताइए आपका नाम अंजलि आप पढ़ते हो नहीं अभी नहीं पढ़ती आप नहीं पढ़ते हैं यहाँ पे रहते हो हाँ यहीं पे रहती हूँ तो पढ़ाई छोड़ दी आपने हाँ मेरी शादी हो गई थी अच्छा आपको शादी हो गई है तो ये बताइए आपके घर में पीएम आप खाना कैसे बनता है गैस पे बनाते हैं तो गैस क्या वो उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस मिला वो उसके उसके तहत हाँ जो मोदी ने दिया है उसके बनाते हैं जो मोदी ने दिया उससे और चूल्हे पे भी खाना बनाती है नहीं चूल्हे पे नहीं बनाते पीएम आवास योजना के तहत जो घर वर दिया जाता है वो मिला है
नहीं, घर वाले कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला है। और ये बताइए, जो सिलाई मशीन योजना, जो फ्री सिलाई मशीन दी जाती है महिलाओं को, घर में आप काम करते हैं महिलाएं, खाना बनाने के बाद जो समय बचता है उसके लिए, वो कोई सहायता मिल रही है? कोई चीज नहीं मिली हमारे पास, कोई नहीं मिली है। तो इसकी शिकायत कहीं की आप लोगों ने? हमने बहुत की थी पर हो ही नहीं है। पर हुआ नहीं है। यहाँ पे सुरक्षा को लेकर क्या है, महिला सुरक्षित है? नहीं, महिला कोई भी सुरक्षित नहीं है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। नहीं। क्यों, तो सुरक्षा को लेकर कोई दिक्कत होती है? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। एक आना, एक अम्मा भी यहाँ है। और अम्मा कैसी हो आप? ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, ठीक हो? कहाँ से आ रही हो? ये खुद कुछ खुरपी दिखाना, ये खुरपी लेके कहाँ से आ रही हो? ये बेटा पथवारे में से आ रही बेटी। ये क्या करके आ रही हो अम्मा? जुताई। ये बेटा आग लगी लकड़ी उनमें, महारी में सही लकड़ी बढ़ गई, उस दिन लगा गई गांव का नेता जो है। हाँ। उन्हें ठीक कर ये फावड़े से। अच्छा, इस फावड़े से ठीक कर दिया? हाँ। मतलब अम्मा तुम किसानी करती हो? ये बेटा हम पे किसानी हो रही बच्ची। हाँ। हम पे ना हो रही। अच्छा, तो अम्मा ये बताओ खाना वाना कैसे बनाती हो? बहु बना तो कैसे, गैस पे या चूल्हे पे? चूल्हे पे। चूल्हे पे। उज्ज्वला योजना के तहत गैस नहीं मिला क्या? मिला गैस भी बेटा। तो गैस का इस्तेमाल क्यों नहीं करते आप? गैस पे कर ले रहे हैं। हाँ? गैस पे कर, लेकिन फिर भी चूल्हा का इस्तेमाल होता है महंगा। ये बताओ अम्मा, इधर अभी आप लोग खेती किसानी यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे तो ये जो एरिया है यहाँ पे कोई दिक्कत होती है जब रात को महिलाएं निकलती हैं, आपकी बहू बेटियाँ निकलती हैं, तो कोई दिक्कत होती है? और दिक्कत कितनी होगी बेटे, वहाँ चल के देखियो, वहाँ करके ले जाओ भर के, मेरी सारी लकड़ी बढ़ गई, चल के देखो बेटा, वहाँ चल के देखो बेटा, जाट के नाग लगा दी, चलो वहाँ लकड़ी देखो, चल चल के चलो बेटा। नाइट में गैस खत्म हो गया तो रोटी किस चीज से बनेंगे? भूखे रहेंगे? जब लकड़ी जला दी तो रोटी किस चीज से बनाएंगे? गैस तो सुबह भी मिलेगा। तो मतलब गैस भी है लेकिन तब भी चूल्हे पे बनाते हो आप? हाँ, चूल्हे पे। क्यों? अच्छी लगे बेटा चूल्हे की। अच्छा, चूल्हे की रोटी। अम्मा को भी चूल्हे की रोटी पसंद है, आपको भी चूल्हे की रोटी पसंद है, मतलब अगर है अब तो लकड़ी जड़ गई तो अब तो गैस पे बोना ही पड़ेगा, लकड़ी जड़ गई सारा। आप बताओ भैया, हमें ना मिला मोदी का कुछ भी। आपको नहीं मिला? नहीं, खाना कैसे बनाती हो? चूल्हे पे ही बना। चूल्हे पे बनाती हो? क्यों, वो आपको वो नहीं मिला? नहीं, गैस नहीं। उज्ज्वला योजना के तहत गैस नहीं। क्यों नहीं मिला? अब क्या पता हमें क्यों ना मिला। तो फॉर्म वॉर्म भरा था आपने? हाँ, भरा था। एक दफा भरा था। फिर दोबारा जाके पूछा नहीं आपने? नहीं। हाँ? नहीं, दोबारा नहीं पूछा। मेरी दूर एजेंसी है, कहाँ जाना। तो जी बताओ, मुझे मौजूदा सरकार योगी मोदी जो काम कर रहे हैं, क्या जो योजनाएं चलाई जा रही महिलाओं के लिए उसका लाभ नहीं मिल रहा है? हमें ना मिला, बहन को आप लोगों नहीं मिला है? नहीं। यहाँ पे जैसे आप निकलते हो रात को, अभी तो 4-5 बज रहा है, 7-8 बजे निकलते, तो कोई दिक्कत तो नहीं होती इधर से? ऐसे तो खैर कोई दिक्कत नहीं है अभी। मतलब रात को निकलती होंगी तो किसी को साथ लेकर ही, पुरुष को लेकर निकलती होंगी? अभी तक तो हम निकले ना हैं, पर हाँ जब निकलते हैं तो पुरुष को ही लेकर निकले। पुरुष को लेकर ही निकलते हो, है ना? मतलब ये एरिया सुरक्षित नहीं है आप लोगों के लिए, महिलाओं के लिए? नहीं, अभी नहीं है। तो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं? आइए, यहाँ पर और भी महिलाएं मौजूद है, बच्चियाँ भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। चलिए, शायद वो बोलने में असहज महसूस कर रही हूँ, लेकिन जरा सा हमने यहाँ पर मौजूद तमाम जो महिलाएं हैं उनसे भी हमने बातचीत की, तो तमाम यहाँ पर महिलाओं का यही कहना है कि उज्ज्वला योजना का, जिस तरह से कहा जाता है कि उज्ज्वला योजना का लाभ कई महिलाओं को मिला है, कई करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है, घर घर तक उज्ज्वला योजना जो है वो उसके जरिए फ्री गैस सिलेंडर जो है कि मुहैया कराया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर मौजूद महिलाओं से भी हमने जब पूछा तो उनके घर में फ्री का जो उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर का कनेक्शन है वो दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर चूल्हे पर खाना पकाती हुई नजर आ रही है, चूल्हे का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन सुरक्षा को लेकर भी यहां पर महिलाओं ने तमाम तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। इसी के साथ कैमरा पर्सन रवि के साथ अर्चना गुप्ता, न्यूज़ 1 इंडिया, काजमपुर।